हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक से वीडियो में। और आज डॉक्टर स्ट्रेंज का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर स्ट्रेंज। आज हम चलेंगे बहुत ही महंगे होटल में पार्टी करने और उसका बिल फ्रैंकलिन देगा। अब एक सेकंड, बर्थडे तेरा है, बिल मैं क्यों दूंगा। चुपचाप केक काट, मुझे अपने घर जाना है। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस सर, फटाफट से कमेंट में जाके हैप्पी बर्थडे डॉक्टर स्ट्रेंज लिख दो, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी थोड़ा खुश हो जाए। इस लॉस सैंटोस में मेरे अलावा कोई खुश नहीं रह सकता। एवेंजर्स, मैं आ चुका हूँ। आज मैं तुम सबको खत्म करूंगा। एवेंजर्स हाउस खत्म होगा और सारे के सारे एवेंजर्स भी। अरे ये क्या, ये कौन है? अबे ये गॉडज़िला कहाँ से आ गया? डॉक्टर स्ट्रेंज का बर्थडे मना रहे हो, ये लो थोड़ी आग खाओ। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। एवेंजर्स हाउस नहीं बचेगा और कोई एवेंजर्स भी नहीं, ताकि मैं इस लॉस सैंटोस पर राज कर सकूं और मुझे कोई परेशान न करे। लॉस सैंटोस वालों, फायर गॉडज़िला आ चुका है पूरे लॉस सैंटोस को भस्म करने के लिए। एवेंजर्स की हालत मैंने खराब कर दी है, अब वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब लॉस सैंटोस को बचाने के लिए अब कोई नहीं है। आ रहा हूं मैं लॉस सैंटोस। मुझे बचा। ये क्या था, ये क्या हुआ, ये कौन था? अरे काइजर, अब ये खतरनाक से गॉडज़िला ने अटैक किया एवेंजर्स हाउस पर वो आया कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी हालत क्या हो चुकी है, एक सेकेंड एवेंजर्स, अरे इनको क्या हो गया? हल्क उठ जा। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज उठ जाओ, क्या हो गया? अरे काइजर, इन लोगों की हालत तो खराब हो चुकी है। वांडा, अरे वांडा उठ जा। हेलो, अरे फ्रैंकलिन, आयरन मैन तुम ठीक तो ना? ये सब क्या हुआ फ्रैंकलिन? अरे मुझे नहीं पता, एक खतरनाक गॉडज़िला का अटैक हुआ था, तुम जल्दी से उठ जाओ। अरे फ्रैंकलिन, ये गॉडज़िला कहाँ से आ गया? अरे मुझे नहीं पता, पर वो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और खतरनाक भी। यहाँ पर हर जगह आग लग चुकी है, मुझे सबको उठाना पड़ेगा। हल्क, हल्क उठ जा। अबे ब्लैक पैंथर कहाँ जमीन में घुस गया, उठ जाओ। अरे फ्रैंकलिन, तुम इनकी टेंशन मत लो, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वो इन सबको बचाने आती होगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये गॉडज़िला का बच्चा आया कहाँ से? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता। रुक जाओ, मुझे लगता है वो लॉस सैंटोस की तरफ गया होगा। हमें जाकर न्यूज देखनी चाहिए, वो पक्का वहाँ आ रहा होगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, आ जाओ फटाफट से न्यूज देखते हैं। तो गाइज़र, अभी आप देख सकते हो एक खतरनाक से गॉडज़िला का अटैक हुआ एवेंजर्स मेंशन पर। वो गॉडज़िला सही में बहुत ही खतरनाक था, उसने सारे के सारे एवेंजर्स और मेरी हालत खराब कर दी है। अरे फ्रैंकलिन, जल्दी से न्यूज चालू करो। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस पर अटैक हुआ एक खतरनाक से गॉडज़िला का। ये गॉडज़िला बहुत खतरनाक है, इसने आधे से ज्यादा लॉस सैंटोस को जला दिया है और अभी तक एवेंजर्स का कुछ नामो निशान नहीं है। हमें लगता है एवेंजर्स मर चुके। अगर सारे के सारे एवेंजर्स मर चुके तो हमें कौन बचाएगा? मुझे लगता है ये लॉस सैंटोस यहीं पर खत्म होने वाला है। आखिरी बार अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को अलविदा कह दो। ब्रेकिंग न्यूज। अरे ये क्या, ये गॉडज़िला तो ऑलरेडी आधे लॉस सैंटोस को जला चुका है। अरे फ्रैंकलिन, ये गॉडज़िला तो बहुत खतरनाक है। हाँ यार, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हम क्या करेंगे फ्रैंकलिन? अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये पूरे लॉस सैंटोस को जला कर खत्म कर देगा। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने सारे एवेंजर्स की हालत खराब कर दी, तो नॉर्मल लोगों का तो क्या हाल होगा। अरे आयरन मैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करें? इस गॉडज़िला को हम दिमाग से नहीं उड़ा सकते, हमें चाहिए होगा मैजिक पावर। मैजिक पावर, ये सब कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? एक सेकंड, सिर्फ एक ही जगह जहाँ पर मैजिक और पावर दोनों जगह, दोनों चीजें साथ में मिलती है। क्या, कौन सी जगह है वो? मेरे घर पर। क्या,
तुम्हारे घर पर? हाँ, मेरे घर पर जो ड्राइंग मैजिक बोर्ड है वो ड्राइंग बोर्ड एक मैजिक वाला बोर्ड है और उसके अंदर खतरनाक पावर्स भी है। जो भी हम उस पर बनाते हैं वो रियल लाइफ में आ जाता है। तो फ्रैंकलिन, हमें उसको यूज करना पड़ेगा। हाँ आयरन मैन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें उसको यूज करके उस खतरनाक से गॉडज़िला को रोकना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ फ्रैंकलिन, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं मेरे घर पर, ताकि हम उस ड्राइंग मैजिक बोर्ड को यूज कर सके। और गाइस, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सारे डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, सारे के सारे एवेंजर्स को बचाने के लिए। चल आयरन मैन, अपन फटाफट से चलते मेरे घर पर। अरे, इनकी एम्बुलेंस को यूज कर रहे हो? अरे अभी इनकी एम्बुलेंस ही सबसे ज्यादा सेफ है, जो कि हमें उस गॉडज़िला से बचाने वाली है। तो गाइस, अभी आपने देखा पूरे लॉस सैंटोस की हालत खराब हो चुकी है उस खतरनाक से गॉडज़िला की वजह से। पर गाइस, हम उस गॉडज़िला को कैसे भी करके रोक के रहेंगे, उसके लिए आप सभी को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख दो किल गॉडज़िला, तभी हम इसको मार पाएंगे, वरना उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो चलो यार फटाफट से घर पर चलते हैं और ड्राइंग मैजिक बोर्ड को यूज करते हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो हम लोग मेरे घर पर पहुंचने वाले और यहाँ पर भी हालत खराब दिख रही है, आधा लॉस सैंटोस जल चुका है। तो धीरे धीरे वो आग हमारे घर की तरफ भी आती जा रही है, उससे पहले कि गॉडज़िला आके हमें जला दे, हमें मैजिक बोर्ड पर एक खतरनाक सी ऐसी चीज बनाने पड़ेगी जो कि उस गॉडज़िला को हरा सके। और गाइजर, अपना मैजिक बोर्ड मैंने रखा है चौप के घर के पास, ताकि चौप को कुछ भी खाना वाना बनाना होता है ना, तो वो बना लेता है। यहाँ पर खाना बनाओ और यहीं पर रख दो, बहुत बढ़िया चौप। अरे फ्रैंकलिन, चौप को छोड़ो, जल्दी बनाओ। अरे पर बनाओ क्या, वो तो बना कुछ खतरनाक उस गॉडज़िला से भी। आओ तुम मुझे बना दो, मैं उस गॉडज़िला से बहुत खतरनाक हूँ। अबे जाना चौप यहाँ से निकल फटाफट, चुपचाप अपना खाना खा बैठ के। अपन फटाफट से ड्राइंग शुरू करते हैं। मैंने सोच लिया मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर जो कि उस गॉडज़िला को भी हरा देगा। और याद रखना, वो गॉडज़िला सही में खतरनाक है, पर ये उससे भी और सबसे खतरनाक बनने वाला है। चलो फटाफट से ड्राइंग शुरू करते हैं। तो गाइसर, अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस खतरनाक से मैजिक बोर्ड पर। और गाइसर, हमें बनाना है एक खतरनाक सा मॉन्स्टर जो कि उस गॉडज़िला से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो एक गॉडज़िला से पावरफुल क्या होता है, दूसरा गॉडज़िला। तो हम एक और खतरनाक गॉडज़िला यहाँ पर बनाने वाले हैं, पर ये कोई नॉर्मल गॉडज़िला नहीं होने वाला है, ये होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गॉडज़िला। सबसे पहले इसका हमने यहाँ पर गर्दन बना दी है और यहाँ पर हम इसकी बनाने वाले हैं दूसरी गर्दन। अब आप सोच रहे होंगे कि दूर से गर्दन क्यों चाहिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो दूसरी गर्दन यहाँ पर बन गई और अब बनाएंगे यहाँ पर तीसरी गर्दन। तीन तीन गर्दन वाला गॉडज़िला हम यहाँ पर बनाने वाले, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेट्स गो, ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट, गर्दन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसकी बाकी की पहले बॉडी बनाएंगे, यहाँ पर इसके लेके जाएंगे, ये बन गई इसकी अपर बॉडी, डन। और इसके यहाँ पर पैर भी बना लेंगे, तो फटाफट से पैर भी बना लेते हैं। ये खतरनाक से पैर इसके होने वाले, इसको एक गॉडज़िला वाले पैर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देते हैं इसको गॉडज़िला वाले बड़े बड़े पैर और यहाँ पर लेकर जाएंगे इसको, बड़े बड़े खतरनाक पैर हम देने वाले। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया गॉडज़िला बनने वाला है, उस वाले गॉडज़िला से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेट्स गो, ये हो चुका है डन। अब गाइजर, गर्दन हमने बना दी, बॉडीज की बना दी, अब बारी कुछ और खतरनाक की। हम इसके विंग्स भी बनाने वाले हैं, ये पहला गॉडज़िला होने वाला है जिसके विंग्स होने वाले हैं। तो फटाफट से इसके खतरनाक से विंग्स यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसको यहाँ पर ऐसे लेकर आएंगे और ये डन। इस साइड भी सेम टू सेम लेकर जाते हैं ऊपर और ये भी डन हो चुका है, इसको फटाफट से नीचे लेकर आएंगे और ये डन। तो गाइजर, अभी आप देखो इस विंग को हम कंप्लीट करने वाले हैं ऐसे, इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये खतरनाक सा विंग हो चुका है कंप्लीट। सेम टू सेम इस साइड भी यहाँ पर हम इसका खतरनाक सा विंग बना देंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक लगना चाहिए। और इसके विंग के अंदर भी थोड़ी डिजाइनें देना जरूरी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइनें दे देंगे, 1 2 3 1 2 3, ये डन डन। इस साइड भी कर देते हैं ताकि लगे एकदम सेम सेम गॉडज़िला, खतरनाक सा। तो गाइज़र, आप देख सकते हो विंग्स यहाँ पर बन चुके हैं, बॉडी यहाँ पर बन चुकी है। अब बारी थोड़ा सा फेस की, थोड़ी इसके अंदर डिजाइन भी करनी, पर वो बाद में करेंगे, सबसे पहले फेस बनाते हैं। यहाँ पर बनाएंगे हम इस गॉडज़िला का सबसे पहले एक बढ़िया सा फेस, यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे और ये डन, ऐसे और ये डन। तो अभी आपको लग रहा होगा ये फेस कैसा है, पर जब ये पूरा कंप्यूटर होगा तब आपको पता चलेगा मैंने क्या बनाया है। तो फटाफट से अभी रुक जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, जब तक मैं इस ड्रॉइंग को कंप्लीट करता हूँ। ये वाला फेस बीच वाला जो है ना, वो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि ये और भी ज्यादा खतरनाक लगे। और ये भी डन हो चुका है, और इधर
एवेंजर साइट भी बना लेंगे और ये भी डन। अब इसके अंदर थोड़े से हम सींग देने वाले हैं, खतरनाक खतरनाक यहाँ पर देंगे इसको बढ़िया सा सींग। इस साइड भी दे देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3 1 2 3। और गाइज़र आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये लगने लग चुका है। अभी तो इसके अंदर कलर करना भी बाकी है और इसके फेस को भी पूरा कंप्लीट करना बाकी है। फटाफट से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम इसकी बनाएंगे दो दो आंखें, यहाँ पर भी बना देंगे आंखें, यहाँ पर भी डन, यहाँ पर भी डन। आंखें तो इसकी नॉर्मल ही है पर इसका जो मुंह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो फटाफट से उसको भी यहाँ पर बना देते हैं डन। और इस साइड भी सेम टू सेम मुंह हमें चाहिए, ये भी डन बन गया। और इस साइड भी सेम टू सेम, तो गाइज़र इस साइड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी डिजाइन देने वाले हैं, जैसे कि इसकी गर्दन के अंदर पहले दे देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और आप देख सकते हो यहाँ पर डिजाइन हमने कर दिया, इसके पेट पर भी डिजाइन कर दिए। अब इसके अंदर फटाफट से कलर करते हैं। तो गाइज़र किंग गिदोरा में लगभग हर जगह एक ही कलर होता है, अब ये गोल्डन करे या फिर येलो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होने वाले काम करते हैं। यहाँ पर पूरा येलो करते हैं और फिर स्किन कलर लेके यहाँ पर कर देंगे, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और येलो कलर इधर करा जाए तो ओके, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब इसके फेस के अंदर करेंगे हम थोड़ा येलो कलर और इसके पैरों में भी। बाकी हम इसके अंदर स्किन कलर करने वाले, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर, एक सेकंड पर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। विंग्स में हम इसके अंदर येलो कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा गोल्डन कलर कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये डन। अब तो ये बहुत ही खतरनाक लगने लग चुका है। इसके अंदर भी गोल्डन गोल्डन कर देते हैं फटाफट से सारे के सारे। इसके सारे के सारे सींग हमने कर दिए गोल्डन और इसके मुंह के अंदर होने वाला है लाल कलर। तो गाइस आप देख सकते हो ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फटाफट से इसको लाते हैं रियल लाइफ में, देखते हैं कैसा लगने वाला है। और इसके हम पावर भी यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे POWER पावर into 1000, ताकि उस खतरनाक से मॉन्स्टर गॉडज़िला को वो हरा पाए। और गाइस ड्राइंग यहाँ पर होती है कंप्लीट। और ये पेंटिंग तो आपको पता ही है किसने बनाई है, दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइस आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और ये कितना ज्यादा खतरनाक है, ये ड्राइंग में इतना खतरनाक नहीं लग रहा था पर रियल लाइफ में ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तीन तीन मुंडी वाला और पंखों वाला ये खतरनाक सा किंग गिदोरा गॉडज़िला। चलो गाइज़र अब हम बिल्कुल तैयार हैं उस गॉडज़िला को हराने के लिए जिसने आयरन मैन मेंशन पर अटैक किया था और लॉस सैंटोस वालों को भी बहुत ही ज्यादा परेशान किया। अब वो हमसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। आ रहा हूं मैं गॉडज़िला। ये कौन सा जोकर मेरे सामने आ चुका है, तुम तो एकदम जोकर लग रहे हो। अभी ये जोकर तुझे खत्म करने वाला है, तूने लॉस सैंटोस वालों को बहुत परेशान कर दिया पर अब तेरा खत्म होने का टाइम आ चुका है। तेरे तीन मुंह से बड़ी तो मेरी पूंछ है। हाँ, क्योंकि तू गधा है और मैं एक गॉडज़िला हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये क्या, बिना बोले अटैक किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला कार्टून। इधर आ। एक तो बार बार कार्टून बुलाना बंद कर, मैं कोई कार्टून वार्टून नहीं हूँ, मैं हूँ गॉडज़िला और जो कि तुझे अभी खत्म करने वाला है। ये ले, तुझे लगता है अगर तू ये तीन तीन मुंडी और दो पंख लेकर आएगा तो मैं डर जाऊंगा? नहीं, मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ गिदोरे। अबे गिदोरे नहीं, किंग गिदोरा। और ऐसे कैसे मार रहा है मुझे, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा और इसके ऊपर हम मारेंगे लेजर। ये ले। इस लेजर से मुझे कुछ नहीं होने वाला चिकनी चमेली। अबे कौन कौन से नाम रख रहा है मेरे, मैं कोई चिकनी चमेली, रुक जाओ अब इसको दिखाता हूँ। ये कौन सी बात मारी तूने? अबे बात नहीं, ये मेरी पावर है। अरे गाइज़र ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है, ये तो मुझे मारे जा रहा है। ये ले। आया ना मजा, अब क्या हो गया बता ना पित्ती, चिकनी चमेली बोल रहा था, रुक जा अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अबे वड़ा पाव, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। एक तो ये बार बार मेरे नए नए नाम रखे जा रहा है, कभी चिकनी चमेली वड़ा पाव, पता नहीं कौन कौन से नाम रख रहा है। अरे ये कर दिया। अबे मैं मर तो नहीं गया, खुश क्यों हो रहा है तू? गाइज़र क्या बोलते हो, इस गॉडज़िला को खत्म कर देते। तेरा नाम क्या है? फायर गॉडज़िला, आग वाले गधे। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अबे क्या यहाँ पर पावर जनरेट कर रहा है तेरी ऐसी की तैसी? तुम मुझे नहीं मार सकते पर मैं तुम्हें एक सेकंड में खत्म कर सकता हूँ। एक सेकंड कब का खत्म हो चुका है पर तू मुझे नहीं मार पाया, पर मैं तुझे जरूर मारने वाला हूँ। ये ले, इसको मारने में बहुत ही मजा आ रहा है। ये ले।
अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ तुम मेरे से खतरनाक हो, अभी मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो, अभी तो मैंने शुरू किया है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कैसर क्या बोलते हो, इसको छोड़ दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अबे तेरे से तो ना पूछ रहा हूँ, कैसर आप फटाफट से कमेंट करके बता दो इसको छोड़े या फिर मार दे, क्योंकि इसने हमारे एवेंजर्स को भी बहुत ही बुरा हाल किया था और आधे लॉस सेंटोस को जला दिया, तो इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसको दिखा दो मेरी पावर्स कितनी खतरनाक है। ये ले, ये क्या हो गया, निकल यहाँ से। तो गाइजर इसी के साथ फायर गॉडज़िला की कहानी होती है खत्म। हमने फायर गॉडज़िला को खत्म कर दिया एक खतरनाक सा किंग गिदोरा बनके। ये सही में बहुत ही खतरनाक है, 3 मुंडी 2 पूंछ और 2 पंख के साथ हमने लॉस सेंटोस को पचा लिया एक खतरनाक से गॉडज़िला से। तो गाइजर आज की वीडियो से भी इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइजर इंस्टा डिस्क्रिप्शन में वापस जरूर फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और गाइस इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वापस जाके ज्वाइन और फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।